बागली की ग्राम पंचायत पोलाई के ग्राम बामनखेड़ी में शनिवार के दिन सीसी रोड निर्माण और आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे द्वारा भूमि पूजन किया गया। इसी दौरान सभी ग्राम वासियों द्वारा खेड़ापति हनुमान मंदिर में विगत दो वर्षों से सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाया जा रहा है। वहीं विधायक द्वारा क्षेत्र की खुशहाली की कामना हनुमान जी से की गई। इस दौरान सभी ग्राम वासियों द्वारा विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे को मुख्य मार्ग से आयोजन स्थल तक घोड़े पर बैठाकर चल समारोह निकालकर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इसी दौरान गांव की ओर से सभी अतिथियों का साफा बांधकर व पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इसी दौरान सभी ग्रामीणों के सहयोग से भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी दौरान हनुमान मंदिर परिसर में निर्माण कार्य के लिए विधायक निधि से 2 लाख रुपए देने की घोषणा विधायक कन्नौजे द्वारा मंच से की गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कार्यक्रम आयोजित किया गया तो क्या है पूरा मामला? ग्राम बामनखेड़ी में खेड़ापति सरकार को पिछले 2 वर्षों से लगातार सुंदरकांड का पाठ हो रहा है यहाँ पर, और हर शनिवार को चोला चढ़ाया जा रहा है। अभी तक 99 चोले चढ़ चुके थे इसके पहले, आज 100वां चोला हमारे विधायक जी के द्वारा चढ़ाया गया। और इस अवसर पर विधायक जी ने यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट रोड लागत 10 लाख रुपए एवं आंगनवाड़ी भवन जिसकी लागत अभी 7 लाख रुपए है, इसका भूमि पूजन किया गया। और इस अवसर पर यहाँ पर महाप्रसादी का आयोजन हुआ, भंडारा का आयोजन हुआ। क्या सौगात दी गई विधायक द्वारा? विधायक जी द्वारा मंदिर में मतलब मंदिर प्रांगण के लिए हमको 2 लाख रुपए दिए गए। क्या आयोजन सभी ग्रामीण वासियों द्वारा? हाँ, ग्रामीण वासियों द्वारा आयोजन किया गया और पूरी जनता बहुत खुश है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।